इक्वालिटी के लिए, लेकिन इसी मुल्क के ऊपर का तबका उन्होंने ये बदल किया कि ये अमीर मुसलमानों के लिए बना हुआ है। और हम सब ये जानते हैं हकीकत, लेकिन जो जर्नल में लिखा हुआ है, जो किताबें में लिखा हुआ है, ये अमीरों का तारीख है, अवाम का तारीख नहीं। और ऐसा जुल्म न सिर्फ पाकिस्तान में होता है, पूरी दुनिया में होता है कि जो लिखा हुआ है एक चीज है और जो हकीकत है दूसरी चीज। जैसे अमेरिका की तारीख तारीख मानना चाहिए मुजक्कर है की तारीख, जैसे अमेरिका की तारीख लोग कहते क्रिस्टोफर कोलंबस कितना शानदार आदमी है कि उन्होंने अमेरिका को अमेरिका बनाया, अमेरिका देखा, अमेरिका पता। लेकिन असल हकीकत के क्रिस्टोफर कोलंबस एक हराम आदमी था। और जो ये यूरोपियन लोग, अंग्रेज लोग, गोरे लोग जो यूरोप से आए, उन्होंने इतने जुल्म किए असली अमरीकी लोग के साथ के तारीख में ऐसा, इंसानियत के तारीख में ऐसा जुल्म नहीं हुआ। शुक्र के अभी ऐसे मुअर्रिख मुअर्रिखीन तारीख लिखने वाले लोग मौजूद है जो अभी अवाम की तारीख लिखने शुरू कर रहे हैं। और अभी पाकिस्तान में भी, साउथ एशिया में भी ऐसे लोग भी ऐसा तारीख भी लिखने शुरू किए। और किताब मेरे ख्याल में उससे पहले काफी टाइम से, लेकिन ये क्या मुश्किल से मिलते हैं ये किताब ना, लेकिन उनको बढ़ाना चाहिए ये कहानी, जो अवाम की कहानी बढ़ाना चाहिए और अमीरों की कहानी पीछे रखना चाहिए। और हम ये करेंगे और टाइम हमारे साथ है, तारीख हमारे साथ है। मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया इस तरफ से जा रहे हैं क्योंकि कैपिटलिज्म का इतना निजाम आज फेल हो रहा है। आज जो जंगें हो रहे हैं, कितने तेज जंगें हो रहे हैं, अगर वो अफगानिस्तान में या इराक में, जो इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट और जो उनके साथ एडवाइजर्स हैं जूते बोल रहे हैं, ये साबित हुआ उनके राइटर्स के जरिए, कितने किताबें लिखे कि अमेरिकी व्हाइट हाउस में इतने जूत हो रहा है ताकि वो जंग करेंगे हमारे खिलाफ। हाँ, कि मैं समझती हूं कि ये इस एम्पायर का खत्म होने वाले का निशान है। तारीख से हम सीखते हैं कि अरबी एम्पायर खत्म हो गए जब उनके रूलर्स के मोरालिटी के अखलाकियात नीचे गए, तबाह हो गए। उस्मानी एम्पायर, हर एम्पायर, रोमन एम्पायर, हर एम्पायर, एम्पायरेटोरिया सल्तनत खत्म हो जाते हैं जाके, जब उनके हुक्मरान के अखलाकियात खत्म हो जाते हैं। और आज अमरीकी सल्तनत भी के हुक्मरान के अखलाकियात खत्म हो रहे हैं, इसलिए भी खत्म होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा? अवामी राज आएगा या एक नकली अवामी राज आएगा? अगर अवाम मुनज्जम नहीं है तो ऐसे लीडर्स बन जाएंगे जो अवामी नहीं है
لیکن لگتا ہے کہ عوامی ہیں. آج کل آپ بہت ایک نام سن رہے ہیں میڈیا میں, ان کو کافی آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ آنے والے لیڈر ہیں, کرپٹ نہیں ہیں. میں نام ذکر نہیں کرنا چاہتی ہوں, اور یہ کرپٹ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں صاف ستھرا آدمی ہے, صحیح, بہت اچھی بات ہے. لیکن کرپشن نہ ہونے, یہ پروگرام سیاسی پروگرام نہیں, کرپشن ایک کانسیکوینس ہے ایک خراب سسٹم کے. اس کو ختم کرنے کے لیے سسٹم کو تبدیل کرنا چاہیے. سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں فلاحی کام سے اور چیریٹی کے کام سے اور بھیکنے سے, کیونکہ کافی کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہیں اسی ملک میں بھیکنے میں بہت اچھے ہیں, مطلب کامیاب ہو جاتے ہیں, یعنی پیسے جمع کرنے میں لوگوں کے لیے اچھا ہے, لیکن اپنے آپ کو سیاسی لیڈر مت بولو. بھیکنے اور سیاست کرنے الگ الگ رکھنا چاہیے, کیونکہ سیاست کا مطلب امپاورمنٹ ہے. امپاورمنٹ ہے کہ بالکل میں عوام کے لیے ہوں, میں عوام کی مدد کرنا چاہتی ہوں, لیکن ان کے وسائل سے, باہر کے وسائل سے نہیں. کیونکہ اگر میں باہر کے وسائل یا امیروں کے وسائل استعمال کروں گی تاکہ عوام کو ڈیلی روزانہ کھانا دوں گی, تو میں عوام کو بے بس بناؤں گی. اور دینے والے کو مضبوط بنا رہی ہوں,